आप अपने लिए रूटस्टॉक तैयार करें और एक बार आपको लेयरिंग करने के बाद कम से कम आपको 20 से 25 साल आपके पास रूटस्टॉक रहेगा फ्री। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह आज आपके साथ एक वीडियो बना रहा हूँ रूटस्टॉक पर। तो रूटस्टॉक हमने फरवरी में मल्टीप्लाई के लिए डाल दिया था लेयरिंग के लिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, ये हमने लगाया था, तो इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे ये इस तरह निकल रहे हैं आजकल पत्ते इसके, और इसको हम क्या करेंगे अभी, ये लगभग इसमें आप देख सकते हैं ये पत्ते कितने खो गए, और इसको हमने अब थोड़ा सा लेटा देना है, हल्का सा लेटा करके रख देना ताकि ये जिस तरह आ रहा है ना, तो अब हम अगर इसको बाय द वे पूरा लेटा देते तो ये देख सकते हैं आप, इसमें सनबर्म लग करके ये ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही सनबर्म लग करके, इसलिए हमें इसे पहले 45 डिग्री में लगाना होता। अब जब पत्ते आ गए, अब हम इसको हल्का सा और लेटा देंगे, और ये एक हुक बना करके यहाँ से ऐसा करके इसे इस तरह इतना कर देंगे। अब तो आज हमारा काम ये होगा, और दूसरा इसको हम थोड़ा सा अभी इतना सा कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद हम इसे फिर बिल्कुल ही ज़मीन के फिर हम खाई खोद देंगे। अभी हम ऐसा रख रहे हैं फिलहाल, ताकि आजकल थोड़ा सा सूखा भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पानी के लिए भी हमें ये गड्ढे चाहिए। जैसे ही इसे हम थोड़ा सा और वो हो जाएगा तो हम इसे लटा देंगे इस तरह करके, और ए और इसे हुक लगा देंगे इस तरह, इनको मैक्सिमम इनको हम ऐसा ही करेंगे, और इसमें एक नाली खोद करके ये करके ये इस तरह, और इनको इन सबको हमने हुक करना है। अब हम इन जितने भी रूट स्टॉक हैं हमारे, हमें इन्हें इस तरह लेटा के रखना ताकि ये जो टहनियाँ हैं ये और अब सीधे में आए ऊपर। तो फिलहाल इसको हम इस तरह करके, और सनबर्म अब लगने के चांस कम रहेंगे स्किन जो इसकी, क्योंकि इसमें अब पत्ते आ चुके हैं। तो हमें आप अपने जो लकड़ियों के हुक हैं इस तरह हुक बना के रखें, और उनसे अब इसी तरह को आपको सबको लेटाना है। लेटाने के बाद जैसे जैसे पत्ता खड़ा होता है, लगभग आपका लगभग अभी आपने इस तरह रखना है, लगभग 15-1 दिन बाद इसको आपने बिल्कुल मिट्टी के साथ टच कर देना है। और जब मिट्टी के साथ आपका टच हो जाएगा ये, तो ये और भी खड़ा हो जाएगा, और ये जितने भी आपके टहनियाँ हैं ये खड़ी होने के बाद आपकी इसे हल्की हल्की मिट्टी डाल देनी है। और इसमें पहले तो आपने सूखा जो गोबर है वो डाल देना है लेयरिंग में, और इससे क्या होगा उसमें झड़े आने में थोड़ा सा आसानी होगी, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसे हम मिट्टी डालते जाएंगे। तो हम उसको भी आज आपको ये मैं पूरी वीडियो बना के दूंगा कि हमें इसे कैसे अभी मिट्टी डालनी है, और हमें इसे फिर कैंची से हमें इसे जब सर्दियों में काटेंगे तो किस तरह काटेंगे, तो हम इसे पूरी तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, और मैं इसके बाद आपको मिट्टी झड़ाने वाले को दिखाता हूँ मैं किस तरह हमने जहाँ पर हमने पिछले साल लेयरिंग की थी। दोस्तों, आजकल हमने मिट्टी जो है ये पिछली साल लेयरिंग की थी, तो इस साल हम इसे मिट्टी हल्की हल्की दे रहे हैं इसी तरह। यहाँ से हमने जो शूट थे पर निकले हुए जो वो निकाल दिए हैं, उसके बाद जो निकले हुए हैं ये शूट, तो इसको हम हल्के से अभी मैंने आपको आप देख सकते हैं इसमें बिल मैंने पहले तो कैंचो खाद डाला, कैंचो खाद हमारे मेरे पास यहीं पर ही था, और मैंने जो है इसे बिल्कुल ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की है मिट्टी की तरह केंचो खाद जो बना हुआ है, इसे मैंने क्या किया बीच में पहले यहाँ पर हमने इसको ये दिया इसी तरह, ये आप देख सकते हैं इसमें हमने पहले केंचुआ ये जो है केंचो खाद है ये डाल दी। अब मैंने इसे हल्की हल्की मिट्टी डाल दी,
अब ये छोटा है तो इसे मैं लगभग अभी एक बार मैंने कर दिया, अब मैं लगभग एक महीने बाद जैसे लगभग ये जब एक डेढ़ फुट लंबा हो जाएगा तो मैं इसकी तब और दूंगा, क्योंकि अभी छोटा है तो इसका सिर लगभग तीन कम से कम डेढ़ दो इंच मिट्टी से ऊपर रहना चाहिए। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम वैसे वैसे मिट्टी चढ़ाते जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं इनको हमने थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी चढ़ाई क्योंकि ये लंबे हैं, ये पिछले साल के हैं, इनमें ग्रोथ थोड़ी कम थी, जो लंबे थे हमने उसे निकाल दिया, जो छोटे थे अंडरसाइज हमने उसे नहीं निकाला, मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिला निकालने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसे अब मिट्टी चढ़ाता जा रहा हूँ और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसको मिट्टी चढ़ाता जाऊँगा। तो दोस्तों ये काम आप जैसे जो आपने लेयरिंग अभी किया हुआ है वो आप लगभग आजकल उसको बिल्कुल मिट्टी के साथ टच कर दें और टच करने के बाद उसको लगभग 10-15 दिन बाद हल्की सी केंचुआ खाद डाल दी, केमिकल खाद ना डालें क्योंकि वो जला सकता है आपके, हल्का सा जैसे अभी आपने केंचुआ खाद डाल दी फिर उसको हल्की सी मिट्टी डाल दी और उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ आती जैसे ये है इस बार, फिर आपके क्या होगा कि इतना इतना हो जाएगा, वो इतना होने के बाद आपने थोड़ा सा उसको इस तरह मिट्टी डाल करके इतना रख देना कि उसकी जो मेनटेनी है ज़मीन में वो दब जाए और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा मिट्टी आपने चढ़ाते जाना और मॉइस्चर का आपने ध्यान रखना। अगर आपके यहाँ पर मॉइस्चर होगा तो जड़ तभी पकड़ेगा, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो वो आपकी जड़ नहीं पकड़ पाएगा। तो इसके लिए क्या करना आपने, अगर आपके वहाँ ज़्यादा सूखी जगह है तो आप बोरी वगैरह कर सकते हैं, उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं या घास से मल्चिंग कर सकते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर लेवल बन सके, या फिर ड्रिप सिस्टम, मेरे पास ड्रिप है, मैं इसे आजकल अभी तो हम लगभग हमारे अभी है चला हुआ, पानी का सोर्स है थोड़ा सा। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि जून में बारिश नहीं होगी या कुछ है तो मैं यहाँ से इसे ड्रिप लगा करके इनको पानी दिया करूँगा ताकि ये और ज़्यादा ग्रोथ आए और जो आगे फिर बरसात शुरू हो जाती, बरसात में कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर आप जैसे जैसे उस वक्त ग्रोथ भी ज़्यादा आएगी। और दूसरा आपने उस वक्त एक और ध्यान करना दोस्तों, आपने इसको एक तो फंगीसाइड लगभग 15-20 दिन में कोई ना कोई फंगीसाइड करते रहें और साथ में 19-19 की स्प्रे ज़रूर करें। 19-19 की खाद से क्या होगा इसको ग्रोथ आएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी और आपकी जल्दी वो हो जाएगा। और अगले साल फिर आपने इसको वैसे ही करना जैसे इसको हटा करके जैसे ये है, अगर आप बाय द वे आपको इस तरह का इसको अगले साल आपने दिसंबर जनवरी में फिर आपने इसी तरह खाली करके इसको यहाँ तक आप जैसे मिट्टी आप जितनी चढ़ाएंगे ये जड़ पकड़ लेगा और आपने फिर कैंची से इसे नीचे से काट करके सटके काट करके और इसे खुला छोड़ना है सर्दियों में। और जो मिट्टी जितनी आप ज़्यादा मिट्टी चढ़ाएंगे कम से कम इसमें इतनी मिट्टी चढ़ाएंगे तो ये जड़ पकड़ लेगा इतना, और ये अगले साल के लिए आपके लिए ये एक बहुत अच्छा रूट स्टॉक बन जाएगा। और उसके बाद आपने जो जहाँ से आपने काटना है उसको पूरी ज़मीन को आपने खाली रख देना है, खाली रखना है और उसको अगले साल जैसे ही ये मैंने जो खाली छोड़ा था और ये मैंने इसमें पिछले साल जो निकाल दिए थे शूट, और अब देखो आप इस साल पिछले साल जितने थे उस साल उससे दो गुना है। और अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं इसको मिट्टी चढ़ाता जाऊंगा और इसकी ग्रोथ तो आप अभी से ही देख सकते हैं, तो अभी इतनी ग्रोथ है तो इसके बाद में तो और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो दोस्तों आप इसी तरह काम करें और अपने लिए आप लोग खुद ही रूट स्टॉक तैयार करें क्योंकि बाहर से किसी से भी आप रूट स्टॉक लाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर आपके पास अपने पास रूट स्टॉक तैयार होगा तो आप अपने, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बहुत बड़े स्केल पर काम करो, जैसे आपने करना है तो अगर आप 10 पौधों की लेयरिंग करते हैं तो 10 पौधा आपको साल में कम से कम 100 रूट स्टॉक तो दे ही देगा। तो 100 रूट स्टॉक आपके लिए बहुत होती हैं, हमारे लिए अगर हमें थोड़ा थोड़ा अगर उसको हमें अगर उसको हमने ग्राफ्ट करना है और उसको 2 साल या 3 साल का फेदर बनाना है तो ये हमारा बहुत बढ़िया काम अपने लिए है। तो हर बागवान हर किसान अपने लिए नर्सरी ऐसी तैयार करते रहें, अपने लिए रूट स्टॉक तैयार करते रहें। और रूट स्टॉक लाने से पहले आपने ये कन्फर्म करना कि जो आपको पास जो रूट स्टॉक है वो जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए, सही चीज़ होनी चाहिए और विषाणु रहित होना चाहिए।
अगर विषाणु रहित होगा तभी आपके लिए वो फ़ायदा है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो का अंत यहीं करता हूँ, धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।